नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर आज तीन जगह, जयपुर, जोधपुर और कोटा में आज उप महापौर पद के लिए चुनाव किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि उप महापौर पद से पहले महापौर पद के लिए कल चुनाव किए गए थे और इसके अंदर किसी भी प्रत्याशी को मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा गया था। इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय नाराज भी होता हुआ नजर आया था। हो सकता है कि इस बार उप महापौर के लिए प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी से मुस्लिम समुदाय के किसी प्रत्याशी को उतारा जाए, जिससे मुस्लिम समुदाय भी आसानी से अपने कार्य और खुश नजर आ सके। प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में आज उप महापौर का चुनाव होगा। महापौर के चुनाव में किसी भी निगम में मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारे जाने से नाराज हो रहे मुस्लिम समुदाय को मनाने के लिए कांग्रेस अब उप महापौर के चुनाव में जयपुर और जोधपुर में मुस्लिम कार्ड खेलने जा रही है। कांग्रेस जयपुर और जोधपुर के 2 निगमों में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटी हुई है। इसके लिए कई नामों पर विचार भी चल रहे हैं। कांग्रेस से सीएम अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर के उत्तर नगर निगम में मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी। इसके लिए 3 चेहरों को लेकर मंथन चल रहा है। इनमें पार्षद हसन खान, अब्दुल करीम जॉनी और शाहबुद्दीन नाम की चर्चा जोरों पर है। इनमें पार्षद हसन खान सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। वहीं जयपुर हेरिटेज में भी उप महापौर के लिए मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा चल रही है। यहां पर महापौर पद के लिए असलम फारूकी, आयशा सिद्दीकी, राबिया गुडेज और उमरदीन समेत मनोज मुदगल प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।